गाइस हम लोग बॉबी लेस्ली और गोलबर्ग के बारे में बात करने वाले समझ लें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कि रिटर्न किया था गोलबर्ग ने 19 जुलाई के रॉ में लाइव फैंस के सामने। तो भाई यहाँ पे चैलेंज किया था फर्स्ट बॉबी लेस्ली को, और बात बताऊँगा भाई अगले मंडे नाइट रॉ में इन दोनों का फेस ऑफ फेस होएगा, और गोलबर्ग कुछ कहेंगे भी उधर अगले मंडे नाइट रॉ में। आपको भाई मैं फर्स्ट बताऊंगा 2019 का। तो भाई 2019 में देखने को मिला था हमें बी अंडरटेकर और गोलबर्ग का मैच, जहाँ पे कि गोलबर्ग आगे हार गए थे, और भाई जहाँ पे कि सुपर शो डाउन में 2020 में द फीड बनाम यूनिवर्सल टाइटल के लिए हुआ था गोलबर्ग, वहाँ पे गोलबर्ग जीत गए थे। और 2021 में जो रॉयल रंबल हुआ था ड्रू मैकइंटायर बनाम गोलबर्ग, वहाँ पे भी हार गए थे गोलबर्ग और ड्रू मैकइंटायर जीत गए थे। तो भाई ज़्यादा चांसेस तो बताया जा रहा है कि गोलबर्ग के नगर गोलबर्ग जीतेंगे, या फिर कोई और रिटर्न करेगा बॉबी लेस्ली। अगर टाइटल रिटर्न करते तो कोई और रिटर्न करके चैलेंज करेगा बॉबी लेस्ली को और आधेगा, या फिर गोलबर्ग के तो ज़्यादा चांसेस लग रहे भाई। गोलबर्ग भी न्यू जेन बन सकते WWE चैम्पियन, काफ़ी बार वो WWE चैम्पियन यूनिवर्सल चैम्पियन रह चुके भाई, साउथ की एलबिया में रह चुके, सुपर शो डाउन ऐसे बड़े बड़े शो में रह चुके। तो भाई अभी देखेंगे ये क्या होगा भाई, अभी कुछ परफेक्ट मालूम नहीं है, न्यूज़ तो यही आ रही है भाई जीतने के चांसेस तो ज़्यादा गोलबर्ग के। तो भाई यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा तो गोलबर्ग के चांसेस है भाई, सॉरी ज़्यादा गोलबर्ग के चांसेस है भाई। अभी देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं, सॉरी भाई सॉरी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए भाई, सॉरी थोड़ी आवाज़ आ रही है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।